वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों आज हम लोग नर्वस सिस्टम पार्ट 3 को पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 17 है। साथियों यदि आपको मल्टीपल रिवीजन पर फोकस करना है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल मंगा सकते हैं। साथियों ये बाइलिंगुअल क्लास होने वाली है, दोनों भाषाओं में क्लास है। इससे पहले 16 क्लासें हो चुकी हैं, पार्ट 15 एंड 16 जो कि नर्वस सिस्टम पार्ट 1 पार्ट 2 है वो आप पहले देख लीजिए साथियों, फिर ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए साथियों समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासों में पार्ट 2 में ये सारी चीजें देखी थी और हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के बारे में बात किए थे, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग बात किए थे। यहाँ थोड़ी सी एक स्पेलिंग गलत हो गई थी हमसे गलती से, तो ये एडिक्शन कर लेना, ADDI है। और साथियों यहाँ पॉन्स वेरोलाई की थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई क्योंकि बाद में मैंने देखा था ये VO वेरोलाई है, LLI है साथियों। बस बाकी और तो सारी चीजें सही हैं। हम लोगों ने फोर ब्रेन के ये पार्ट देखे थे। तो चलिए साथियों हम लोग नर्वस सिस्टम पार्ट 3 के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम पार्ट 3, नर्वस सिस्टम पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे जो फोर ब्रेन है यानी कि अग्र मस्तिष्क है साथियों, अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से पार्ट्स हैं ये तो हमने पिछली क्लास में ये देखा, पार्ट 2 में ये देखा था थैलमस, हाइपोथैलमस और सेरिब्रम है, समझ रहे हैं। और ये थैलमस और एक तरीके से हाइपोथैलमस, इट इज द पार्ट ऑफ डायएनसेफेलॉन, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पिछली क्लास में साथियों देख लिए थे। अब आज हम लोग सबसे पहले थैलमस पर बात करेंगे, फिर हाइपोथैलमस पर बात करेंगे साथियों। हाँ एक और चीज, यदि साथियों रिस्पायरेशन के लिए क्वेश्चन आए, यानी कि रिस्पायरेशन मान लीजिए, यही मैं समझा देता हूं, जब आपको पॉन्स वेरोलाई समझाया था, हाँ अगर मान लीजिए आपसे रिस्पायरेशन पूछा जाता है कि श्वसन की जो प्रोसेस है, रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में मेडुला ऑब्लंगाटा नहीं दिया जाता है तो आप रिस्पायरेशन को पॉन्स वेरोलाई में लगा दीजिएगा, समझ रहे हैं। पॉन्स वेरोलाई भी रिस्पायरेशन का वर्क करती है, समझ रहे हैं, श्वसन का काम करती है, श्वसन पर नियंत्रण रखती है। तो मान लीजिए मेडुला ऑब्लंगाटा, जैसे हम लोग पिछली क्लास में वाइटल एक्शन में यहां पर ब्लड डाइजेशन, एक्सक्रीशन, यहां पर रिस्पायरेशन भी लिख लीजिए, रिस्पायरेशन श्वसन, समझ रहे हैं, श्वसन। तो साथियों अगर मान लीजिए श्वसन में आपको वाइटल एक्शन में मेडुला ऑब्लंगाटा मान लीजिए ऑप्शन में ना दिया जाए तो साथियों रिस्पायरेशन में इसको आप जरूर लगा लीजिएगा, रिस्पायरेशन का कुछ रिमेनिंग वर्क ये करती है। तो चलिए साथियों फोर ब्रेन में सबसे पहले हम अगर थैलेमस पार्ट को देखें तो थैलेमस का हिस्सा जो होता है ये क्या मेनली करता है साथियों, थैलेमस साथियों देखिए जितने हमारे सेंसरी आर्गन बचे हुए हैं, जैसे एक तरीके से देखा जाए तो हम लोग का जो मेन सेगमेंट है जैसे स्मेल है, ठीक है, सूंघना, नाक की क्रिया जो होती है सूंघना, समझ रहे हैं साथियों, टेस्ट, टेस्ट यानी कि स्वाद लेना, समझ रहे हैं, स्वाद लेना, और टच यानी कि स्पर्श। तो यहां पर देख रहे हैं जैसे ये नोज का काम है साथियों, ठीक है, ये टेस्ट, हाँ ये एक तरीके से टंग का काम है, जिह्वा का काम है ये, तो जिह्वा का कार्य ये सेंसरी आर्गन, नोज यानी कि नाक का कार्य साथियों, टच यानी कि स्किन, ये हमारा जो सेंसरी आर्गन है त्वचा साथियों, ये मेनली जो कंट्रोल में आती है ये थैलमस वाले पार्ट से कंट्रोल में आती है, समझ रहे हैं, थैलमस वाला हिस्सा इसको कंट्रोल में रखता है। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं अचानक काटा चूहा तो ये थैलमस पार्ट को सूचना मिलती है, समझ रहे हैं, कोई चीज हम सूंघ रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, वो बदबूदार है या खुशबूदार है, समझ रहे हैं, वो अच्छी है स्मेल या गंदी स्मेल है, वो स्मेल वाला जो पार्ट है वो थैलमस पार्ट से ही जुड़ा है। टच यानी कि स्पर्श, ये स्वाद लेना, जो भी हम स्वाद लेते हैं वो टेस्ट अभी स्वाद थैलमस वाले पार्ट से ही कंट्रोल किया जाता है, समझ रहे हैं। अब साथियों एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सटर्नल बॉडी पेन, एक्सटर्नल बॉडी पेन, समझ रहे हैं, बॉडी पेन यानी कि साथियों बाह्य शारीरिक दर्द, बाह्य शारीरिक दर्द
समझ रहे हैं। और दूसरा वह है शारीरिक तापमान, शारीरिक तापमान का जो कंट्रोल किया जाता है वो थैलमस पार्ट से ही किया जाता है साथियों, ठीक, थैलमस पार्ट से ही किया जाता है। एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर, चूंकि ये स्पर्श का है, ये त्वचा का विषय है साथियों, इसलिए एक्सटर्नल बॉडी पेन, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं अचानक कट लग गया है या फिर कहीं पर स्क्रैच आ गया है, तो वो साथियों वाह शारीरिक दर्द, चूंकि त्वचा से रिलेटेड ये सारे पार्ट हैं, इसलिए ये थैलमस पार्ट से ही कंट्रोल किए जाते हैं। आगे आते हैं हाइपोथैलमस पार्ट का हम लोग वर्क देखते हैं साथियों। हाइपोथैलमस, थैलमस, तो हाइपोथैलमस का क्या काम है? यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया? बताएं, सभी लोग बताएं भाई, सबको क्लियर समझ में आ गया? सबको क्लियर समझ में आ गया? ठीक है। अब साथियों हम लोग हाइपोथैलमस की जब बात करते हैं तो इसमें जितने प्रोसेस हैं हाइपोथैलमस में, जितने फीलिंग से रिलेटेड प्रोसेस हैं, जैसे मान लीजिए एक तरीके से हंगर पहली चीज, ठीक है, थ्रस्ट, प्यास जिसे आप कहते हैं, इसे भूख कहते हैं, भूख प्यास का कंट्रोल किसके पास होता है? हाइपोथैलेमस, समझ रहे हैं। उसके बाद साथियों स्माइल, एंगर, एंगर मतलब क्रोध, समझ रहे हैं, फीलिंग्स, हॉबीज, लव, हेट, ये सारी चीजें, घृणा हुआ, प्यार हुआ, हॉबीज हुई, फीलिंग हुई, कोई चीज अनुभव हो रहा है, दुख हो रहा है, एंगर मतलब एक तरीके से क्रोध आप कह सकते हैं इसको, स्माइल मतलब मुस्कुराना, जो फीलिंग, ये भी फीलिंग में ही आती है, ठीक है, हॉबीज, लव, प्यार, हेट मतलब घृणा एक तरीके से, ये सारी चीजें। और साथियों इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरा इंटरनल बॉडी पेन, इंटरनल, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको दर्द होता है, जैसे पेट में दर्द हुआ, गैस बन रही है, तो इंटरनल बॉडी पेन, ये सारी चीजें, यानी कि आंतरिक दर्द आप कह सकते हैं, आंतरिक दर्द की बात करें, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर यानी कि आंतरिक तापमान, आंतरिक ताप को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलमस वाला पार्ट ही करता है, समझ रहे हैं। तो एक तरीके से ये सारी चीजें आपने देख लिया, ठीक है। मूड जो आप कहते हो, मूड साथियों, मूड, ये मूड, जैसे हमारा आज मूड अच्छा नहीं है, मूड अच्छा है, ये हाइपोथैलमस से ही कंट्रोल में लिया जाता है, समझ रहे हैं, हाइपोथैलमस। साथियों हाइपोथैलमस आपको मैं बता दूं, इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। जब आपको हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाएंगे तो वहां ये चीज बताएंगे, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, समझ रहे हैं, ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि साथियों ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है ये। साथियों याद रखना हाइपोथैलमस पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है भाई? पीयूष ग्रंथि है साथियों, पीयूष ग्रंथि जो अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, उनसे निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक तरीके से ऐसी ग्लैंड है साथियों जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये कौन सी ग्लैंड है भाई? मास्टर ग्लैंड है। क्यों मास्टर ग्लैंड इसका नाम है? अभी आगे चल के एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे हम लोग, उसमें साथियों देखेंगे बहुत सारे ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी। और साथियों पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलमस। तो ये याद रखिएगा, हाइपोथैलमस एक तो नर्वस सिस्टम की तरीके से भी काम करता है, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र में भी इसका काम है, यानी कि साथियों तंत्रिका तंत्र में भी इनका काम है, समझ रहे हैं। दूसरा और किसकी तरह साथियों? एंडोक्राइन सिस्टम की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब समझे, अरे भैया अंतःस्रावी तंत्र की तरह काम करता है, इससे हार्मोन निकलते हैं, और ये जो हार्मोन होता है वो किसको कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं इस चीज को, नहीं तो गड़बड़ा दोगे आप पूरा मामला। यहां मैं हाईलाइट करने का प्रयास कर रहा हूं, ये चीज ध्यान में। अच्छा, इससे नहीं होगा, इससे हो जाएगा साथियों, ये चीज बहुत अच्छा। इससे भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट साथियों। हाँ चलिए, ये इससे वो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। इसे किस नाम से जानते हैं? मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। किस ग्लैंड को मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो हाइपोथैलमस को। ये क्या काम करती है? चूंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है, इसलिए मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों की तरह काम करती है। ये बात क्लियर है, समझ रहे हैं। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़ी होती है, तो आपको हाइपोथैलमस से बताना है, समझ रहे हैं। एक होती है साथियों पीनियल ग्लैंड, या आगे चलकर एंडोक्राइन सिस्टम हम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे अंतःस्रावी पीनियल ग्लैंड। इससे बहुत सारे हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे मेलाटोनिन हुआ, सेरोटोनिन वगैरह हुआ। तो एक ग्लैंड है, ग्लैंड क्या होती है? ये मैंने पहले भी आपको बताया है साथियों, ये कोशिकाओं का समूह होती है, समझ रहे हैं कि नहीं, जो कि स्रावित करती है हार्मोन, चाहे स्रावित करे चाहे एंजाइम। लेकिन ये बेसिकली जो ये देखिए हाइपोथैलमस से, यहां पर मैं अलग से लिख दे रहा हूं, हाइपोथैलमस वाले पार्ट से, थैलेमस से कौन अटैच्ड होता है साथियों? पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच्ड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, समझ रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि अटैच्ड होती है, पीयूष ग्रंथि। एक बार मैं थोड़ा चाय पी लूं फिर बताता हूं साथियों आपको। और अभी आपने पढ़ा थैलेमस, थैलेमस पार्ट से कौन अटैच्ड होता है साथियों? तो याद रख लीजिएगा पीनियल ग्लैंड अटैच्ड होती है, पीनियल ग्लैंड, समझ रहे हैं। इसे हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। अब जिन भाई बहनों को भाई ग्लैंड का मतलब नहीं पता है, तो ग्लैंड का मतलब क्या होता है ये जान लें भैया। ये पहले भी हम बता चुके हैं, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। क्या होता है भाई? ग्रुप ऑफ सेल, ये ग्लैंड का मतलब, यानी कि कोशिकाओं का समूह, यानी कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है भाई? कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ द ग्लैंड। क्या करती है ये कोशिकाओं का समूह? हार्मोन या एंजाइम का श्रावण करती हैं, एंजाइम का श्रावण करती हैं, का श्रावण करती हैं, श्रावण करती हैं, क्लियर। यानी कि दे सिक्रेट्स, दे सिक्रेट एंजाइम, एंजाइम आर हार्मोन्स, दे सिक्रेट एंजाइम आर हार्मोन्स, ये बात क्लियर। दे सिक्रीट एंजाइम आर हार्मोन्स, ग्रुप ऑफ द सेल। ये ग्लैंड क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। एक एक चीज प्रयास मैं कर रहा हूं सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो थैलमस से कौन अटैच्ड है साथियों? पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलमस से कौन अटैच्ड है? पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। इसे और किस नाम से जानते हैं साथियों? मास्टर ग्लैंड। किस नाम से जानते हैं? मास्टर ग्लैंड, क्लियर, मास्टर ग्रंथि। तो सोचिए यार, जो मास्टर ग्लैंड है उसको भी कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलमस। तो इतियान यानी कि ये क्या है? ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है, इसीलिए तो इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसीलिए तो इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, कोई दिक्कत? इसीलिए इसे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये बात क्लियर। हाइपोथैलमस और किस नाम, मतलब और क्या करता है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम की तरीके से वर्क करता है, बताएं कोई दिक्कत? तो चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब नर्वस सिस्टम के आपने सारे पार्ट्स देख लिए भाई, सॉरी सारे पार्ट कर रहे हैं, थैलमस हाइपोथैलमस की बात कर रहे हैं, कर लिए। अब साथियों हम लोग विशेष करके बात करेंगे सेरिब्रम का, समझ रहे हैं, सेरिब्रम पर बात करेंगे साथियों, सेरिब्रम। साथियों सेरिब्रम जो है ये लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ द
वेन कहलाता है, समझ रहे हैं, यानी कि लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क का कौन सा पार्ट है, लार्जेस्ट सब पार्ट है साथियों, लार्जेस्ट सब पार्ट है, लार्जेस्ट सब पार्ट है, लार्जेस्ट सब पार्ट है ब्रेन का। क्या क्या काम करता है तो आपको बहुत अच्छे से पता है साथियों, ये इंटेलिजेंस का मेन काम करता है। क्या काम करता है, इंटेलिजेंस का मेन काम करता है, क्लियर। साथियों ये मेमोरी मेमोराइज फंक्शन करता है, यानी कि याददाश्त क्षमता बनाने का काम करता है साथियों। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ये इमोशंस से भी जुड़ा होता है, इमोशंस यानी कि भावना से जुड़ा होता है, भावना से भी जुड़ा होता है, जैसे हाइपोथैलेमस। इसको याददाश्त क्षमता, याददाश्त बनाने के लिए इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता का मेन काम करता है। यहां तक क्लियर बताएं। पूरे ब्रेन का साथियों, पूरे ब्रेन का एक तरीके से आप कह सकते हैं, हाँ, दो तिहाई हिस्सा, लेकिन चलिए वो तो एक बार आंकड़ा देखना पड़ेगा कितना हिस्सा बनाती है सेरिब्रम, तो लार्जेस्ट सब पार्ट ऑफ द ब्रेन है साथियों। यहां तक क्लियर। अब अगर इसके हम लोग पार्ट्स को देखें तो कौन से पार्ट्स हैं, इसका मेन पार्ट्स क्या है साथियों, तो अगर मान लीजिए ये ब्रेन का ये हिस्सा, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसका ये हिस्सा यानी कि आधे से कम का हिस्सा साथियों, इसे ये मेनली हार्ड डिस्क है। क्या है भाई, हार्ड डिस्क, जो मेमोरी को स्टोर करता है। इसे किस नाम से जानते हैं साथियों, ये हिप्पोकैम्पस के नाम से जानते हैं, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस के नाम से जाना जाता है। ये मेनली क्या काम करता है, मेमोरी स्टोरेज का काम करता है साथियों, मेमोरी स्टोरेज का काम, समझ रहे हैं, याददाश्त को रखने की, याददाश्त क्षमता को, याददाश्त संचित करने का काम करता है, याददाश्त संचित का काम करता है, समझ रहे हैं। अगर इसकी कमी हो गई तो एक बीमारी होती है साथियों, ये मतलब इसमें गड़बड़ी हो गई तो एमनेसिया करके एक बीमारी होती है, एमनेसिया, समझ रहे हैं, जिसमें पूरी तरीके से ओल्ड हमारी जो मेमोरी होती है वो पूरी तरीके से चली जाती है, न्यू मेमोरी ही बची रहती है, यानी कि ओल्ड जो मेमोरी होती है, घर का पता वगैरह, ऐसा बताया जाता है आइंस्टीन की जब मौत हुई, मतलब आइंस्टीन में जब कोई ये बीमारी थी और उनको जब डेथ हुई तो वो अपने सही से घर का पता भी नहीं बता पाए, एमनेसिया, ओल्ड मेमोरी पूरी तरीके से गायब होती है, केवल न्यू मेमोरी ही बनती है, केवल न्यू मेमोरी ही बनी रहती है, ओल्ड मेमोरी पूरी तरीके से चली जाती है। तो हिप हार्ड डिस्क की तरह काम करता है ये, हार्ड डिस्क की तरह कार्य करता है ये, इसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, मेमोरी स्टोरेज का काम करता है, समझ जाएं, याददाश्त संचित करने का। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो एक बीमारी रिलेटेड है साथियों, एमनेसिया, क्लियर। दूसरा एक बीमारी होती है अल्जाइमर, और साथियों अल्जाइमर में क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, अगली क्लास में इसको मैं बताऊंगा। एक अल्जाइमर बीमारी एमनेसिया के बारे में बता दिया है। अब साथियों ये वाला जो हिस्सा होता है इसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, दो तिहाई हिस्सा सेरिब्रम का बनाता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा है ये साथियों, मेनली कॉर्टेक्स का हिस्सा कहलाता है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है साथियों। इसके मेन तीन हिस्से पाए जाते हैं, यहां इसके तीन प्रमुख हिस्से होते हैं, समझ रहे हैं, इसके सॉरी तीन मैंने बोला, चार हिस्से होते हैं साथियों, समझ रहे हैं, चार प्रमुख रूप से हिस्से हैं। अब इसके कौन कौन से हिस्से हैं साथियों, जैसे कि ये वाला हिस्सा फ्रंटल के नाम से जाना जाता है, फ्रंटल के नाम से जाना जाता है, ये हिस्सा पेराइटल के नाम से जाना जाता है, पेराइटल के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ये वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल, सॉरी ये वाला जो हिस्सा होता है ये टेम्पोरल के नाम से जाना जाता है, टेम्पोरल के नाम से जाना जाता है, और ये वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल के नाम से जाना जाता है, ऑक्सीपिटल के नाम से जाना जाता है,
समझ रहे हैं। अब अगर तुम इस चीज को इधर बना दो, अगर तुम इस चीज को इधर कर दो, तो आप मतलब अगर चेहरा इधर हो जाए तो जाहिर सी बात है इधर क्या हो जाएगा, जाहिर आप बताइए फ्रंटल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा पेराइटल हो जाएगा, समझ रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा टेम्पोरल हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ऑक्सीपिटल हो जाएगा, ये क्या है हिप्पोकैम्पस हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर तुम उल्टा बना दिए तो ये ऐसे हो जाएगा, क्लियर, हम ऐसे बनाए हैं। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए फ्रंटल का क्या वर्क है, साथियों फ्रंटल का वर्क बताइए, तो फ्रंटल का क्या क्या वर्क है भाई, आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं। फ्रंटल लोब, ये फ्रंटल लोब है, ये पेराइटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये ऑक्सीपिटल लोब है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये ऑक्सीपिटल लोब है। अगर आपको मैं दिखाने का प्रयास करूं तो यहां पर आप देख भी सकते हैं ये हिस्सा, हाँ यहां पर आप देख सकते हैं साथियों, फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, समझ रहे हैं, टेम्पोरल है, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, यहां थोड़ा सा इसको बहुत सही से नहीं दिखाए हैं, खैर ये इसको बहुत सही से नहीं दिखाए हैं इस वाले डायग्राम में, ये तो वर्क दिखा दिए हैं ज्यादातर। एक मिनट एक मिनट, ये हाँ ये आप देख सकते हैं साथियों, जैसे ये फ्रंटल लोब है, यहां पर आप देख रहे हैं टेम्पोरल वर्क है, ये देखिए फ्रंटल है, समझ रहे हैं, पेराइटल है, यहाँ टेम्पोरल है, और यहां पर ऑक्सीपिटल लोब है, ये ब्रेन के ये हिस्से आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो इन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए भाई बात एक बार हो गई है, यहां पर फोर ब्रेन, ये तो आपने देख लिया भाई कहां पर मैं था। फ्रंटल का मेन वर्क क्या है साथियों, फ्रंटल का मेन वर्क क्या है, तो साथियों थिंकिंग, एक मिनट, हाँ थिंकिंग, यानी कि सोचना, समझ रहे हैं, व्यक्तित्व विकास यानी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, विल पावर, विल पावर यानी कि एक तरीके से उसके एक तरीके से विल पावर की मतलब इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, कंसंट्रेशन पावर, कंसंट्रेशन पावर, ठीक है, मेमोरी फंक्शन, कंसंट्रेशन पावर यानी कि एक तरीके से ध्यान करने की पावर, कंसंट्रेशन आप समझते हैं, मेमोरी फंक्शंस यानी कि याद रखने का, मेमोरी की जो देखिए मेमोरी का फॉर्मेशन होना, मेमोरी फंक्शन आप ये सकते हैं, मेमोरी फॉर्मेशन आप लिख सकते हो, फॉर्मेशन, मेमोरी फॉर्मेशन, कंसंट्रेशन पावर, विल पावर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, थिंकिंग, साथियों डिसीजन मेकिंग की पावर, समझ रहे हैं, डिसीजन मतलब एक तरीके से निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, डिसीजन पावर यहीं से आता है, समझ रहे हैं, डिसीजन पावर, ये सारी चीजें, थिंकिंग हुआ, सोचना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास इसे कहते हैं, इसे भैया लिख लो नहीं तो कहोगे हिंदी वाले ये तो कुछ लिखते ही नहीं है, व्यक्तित्व विकास, विल पावर आपने देख लिया ये क्या है। साथियों फ्रंटल को फ्रंटल ही बोलते हैं, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया लेकिन फ्रंटल को फ्रंटल ही हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, तो ये तो फ्रंटल का मेन वर्क है साथियों। पेराइटल की अगर बात करें, अच्छा पहले टेम्पोरल की भी बात कर लेते हैं साथियों, बताया जाता है इसमें ड्रीम फॉर्मेशन, ड्रीम जो आप सपने देखते हैं, ड्रीम फॉर्मेशन का जो काम होता है साथियों ये टेम्पोरल वर्क ही करते हैं, यानी कि जो सपने वगैरह आप रात में देखते हैं वो टेम्पोरल लोब ही करता है, समझ रहे हैं कि नहीं, तो ऑक्सीपिटल लोब क्या काम करता है और पेराइटल लोब
तो चलिए भाई पेराइटल लोब, यहां मैं देख लेता हूं पेराइटल, एक मिनट इसको मैं दूसरे पे दिखा देता हूं, ठीक है। पेराइटल लोब का मेन वर्क क्या है? पेराइटल लोब साथियों, पेराइटल लोब का मेन है मैटिक्स, कैलकुलेशन, समझ रहे हैं, रीजनिंग पावर, रीजनिंग पावर यानी कि तर्क शक्ति, तर्क शक्ति, ठीक है, गणित, कैलकुलेशन का मतलब समझते हो, गणना, ये सब पेराइटल लोब करता है, ये सब पेराइटल लोब करता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और आपने ये टेम्पोरल का देख ही लिया, पेराइटल लोब के बारे में आपको क्लियर हो गया। मैंने शायद गलत, टेम्पोरल का मैंने गलत बता दिया, टेम्पोरल का साथियों मैंने गलत बता दिया है, पेराइटल फ्रंटल का हो गया, ठीक है, फ्रंटल पेराइटल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है साथियों, क्लियर है। पेराइटल लोब के बारे में मैंने बता दिया, अब ऑक्सीपिटल लोब के बारे में बात करते हैं। ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब का मेन वर्क क्या है साथियों? साथियों याद रखिएगा, डायरेक्शन यानी कि एक तरीके से दिशा, दिशा का जो ज्ञान होता है, समझ रहे हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी, समझ रहे हैं, और विजन पावर भी थोड़ा सा इसके द्वारा किया जाता है जो हमारा मिड ब्रेन करता है, और हियरिंग पावर भी इसके द्वारा किया जाता है, हियरिंग या लिसनिंग पावर। तो याद रखनी है, विजन पावर और लिसनिंग पावर जो रिमेन बसता है, मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत ये भी काम करते हैं, यानी कि बचा हुआ पार्ट, बचा हुआ विजन पावर और हियरिंग पावर के जो बचे हुए काम होते हैं वो साथियों ये मेन काम होते हैं। विजन पावर का मतलब देखने की शक्ति, देखने की शक्ति, और हियरिंग पावर का मतलब साथियों यानी कि सुनने की शक्ति। ये मेनली यही काम करते हैं, ये मेनली यही काम करते हैं, ठीक है। पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, ये क्लियर हो गया। तो नर्वस सिस्टम पार्ट थ्री में आपने पेराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब आपने देख लिया साथियों। ड्रीम फॉर्मेशन का कौन वर्क करता है ये आपने देख लिया, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा, सेरिब्रम का कौन सा हिस्सा साथियों मेमोरी स्टोरेज का काम करता है, तो सीधा क्वेश्चन हिप्पोकैम्पस आपको लगाना है। सीधा क्वेश्चन आएगा, बताइए कौन सा ब्रेन का कौन सा पार्ट है या सेरिब्रम का कौन सा पार्ट है जो ड्रीम फॉर्मेशन करता है, तो टेम्पोरल लोब, ठीक है। ऑक्सीपिटल लोब का काम इस तरीके से, क्वेश्चन मेनली इंटेलिजेंस, मेमोरी और इमोशंस के जितने ज्यादातर काम होते हैं इनके द्वारा किए जाते हैं। तो एक तरीके से आपने देख लिया कि भाई हमारा जो फोर ब्रेन के पार्ट है, थैलमस, हाइपोथैलमस, ये क्या काम करते हैं और सेरिब्रम क्या काम करता है। उम्मीद है साथियों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नर्वस सिस्टम पार्ट थ्री में फोर ब्रेन के जो वर्क थे वो आपको एटलीस्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। साथियों यदि कोई चीज ना समझ में आए तो जरूर कमेंट किया करिए, बताया करिए, उस हिसाब से हम लोग उस आधार पर हम उसमें एक्शंस लेंगे, आपको कमेंट करके आंसर देंगे, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।